Bull markets make us happy, but bear markets make us rich. और अभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है इंडियन बैंक्स में कि आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा और आप सोच रहे हो कि अरे गोयला क्या बात करो, SVB क्राइसिस, हिंडनबर्ग क्राइसिस, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। एक बार ये वीडियो सुन लो, आपको समझ आ जाएगा अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और इस बहाने बैंकिंग इंडस्ट्री को एनालाइज कैसे करना है वो भी समझ जाओगे। Hi guys, my name is Harsh Goyla और आज तो गोयला सर बैंकिंग इंडस्ट्री में एकदम घुस जाएगा। क्यों? बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी ही ऐसी है, तो आराम से एक एक करके सब समझते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं निफ्टी की पीई से। अब आप देखेंगे मार्च 2021 में निफ्टी की पीई थी 40 और अब निफ्टी की पीई हो गई है सिर्फ 20, आधी हो गई है। अब पीई का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग्स। ये इसलिए हुआ है बिकॉज अर्निंग्स कंपनीज की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अर्निंग्स कौन सी कंपनी की बढ़ी है? ये आप देखिए सर कि 37% जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है निफ्टी को, दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री और उनकी अर्निंग्स इस लेवल पे बढ़ रही है। पर एक चीज जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जब मैं बैंक से बात करता हूँ मैं स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक से बात कर रहा हूँ। आपको पता है गोयला पब्लिक सेक्टर कंपनीज में वैसे भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता बिकॉज ये ब्यूरोक्रेसी चलती है एंड दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग। उनका एजेंडा से प्रॉफिट नहीं होता। हम इन्वेस्टर भाई साहब, हमें चाहिए प्रॉफिट मेकिंग। और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग वो बैंकिंग इंडस्ट्री है जो विद टाइम बढ़ती जा रही है। आप 1-1.5 साल का डिफरेंस देख लीजिए। पहले Q1 ऑफ FY21 में इनका मार्केट शेयर था 35% और अब हो गया 38.4%। सिर्फ 1.5-2 साल में 3% मार्केट शेयर बढ़ गया है। और आप अपने आसपास ही देख लीजिए, हर आदमी ना प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है। हर न्यू एज आदमी, जो जेन जी है, जो मिलेनियल है, दे प्रेफर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इसलिए हम भी भाई प्राइवेट सेक्टर पे जाएंगे। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, बैंक्स की थोड़ी बैंड बजी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट 11% नीचे है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। अब इसके बहुत रीजन हो सकते हैं। एक जो सबसे ऑब्वियस रीजन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अब जब बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, लोन्स महंगे होंगे तो लोग लोन्स कम लेंगे, तो बैंक का तो मेन प्रॉफिट लोन्स देने से ही होता है ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ज्यादातर बैंक्स नीचे जाते हैं। प्लस सिलिकॉन वैली बैंक की क्राइसिस का इशू है, फिर हिंडनबर्ग का पूरा इशू हो गया था। बट हमें ना डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? सबसे पहले उदय कोटक सर का ट्वीट देखिए। इन्होंने बोला है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इज बिलो 2.5% और अगले साल 2024 में 2% के नीचे भी आ जाएगा। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इंडिया विल वर्क आउट ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर। अब आप सोच रहे हो कि गोयला अगर फॉरेन बैंक्स में इशू है, वो फॉरेन बैंक्स इंडिया में बिजनेस करते हैं। अब अगर बिजनेस कर रहे हैं तो यहां भी तो इशू आएगा ही। जब मेन उनके बैंक में इशू आ रहा है तो जो सब्सिडियरी इंडिया में वहां पे भी इशू आएगा। और ये पॉइंट सही है, बट इसके बावजूद हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर फॉरेन बैंक्स का मार्केट शेयर देखोगे इंडिया में 6% है टोटल एसेट्स में मार्केट शेयर, 4% है लोन्स में मार्केट शेयर, 5% है डिपॉजिट्स में मार्केट शेयर। तो ये इतना बड़ा नहीं है दैट हमें इतनी चिंता करने की जरूरत है। अब दोबारा मैं करंट सिचुएशन पे आ रहा हूं। इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोग लोन्स कम लेंगे, बैंक का बिजनेस कम हो जाएगा, बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा। दिस इज द जनरल प्रोजेक्टरी जो हर लॉजिकल आदमी सोचता है, बट इंडिया में ये नहीं हो रहा है। इंडिया में ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इंडिया में इतनी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बट उसके बावजूद क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, लोग और पे और लोन ले जा रहे हैं। मतलब फैक्चुअली अगर मैं बात करूं 10 फरवरी की, अगर मैं डेटा देखूंगा तो 16.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी ऑन द बैंक क्रेडिट। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, हाई इंटरेस्ट रेट में बैंक ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनका प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ गया ना। और ये डेटा दिखा रहा है, HDFC बैंक का प्रॉफिट रोज बाय 19.9% ईयर ऑन ईयर, ICICI बैंक का रोज बाय 31.69%, कोटक महिंद्रा का रोज बाय 17.39% एंड एक्सिस बैंक का रोज बाय 70%। बट इसके बावजूद दो प्रॉब्लम तो देखो है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। गोयला बहुत मेहनत कर रहा है पूरी टीम के साथ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक तो दबाई देना। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स में ना डिपॉजिट्स इतनी जल्दी नहीं आ रहे। लोन तो बढ़ी जा रहे हैं बट इतनी जल्दी डिपॉजिट नहीं आ रहे। अब डिपॉजिट्स ना किसी भी बैंक के लिए इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स, क्योंकि डिपॉजिट्स लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स है, क्योंकि जो आ रहा है उसमें आपको बहुत छोटा सा इंटरेस्ट रेट देना है, बाकी तो पूरा आपका ही है। तो बैंक के लिए प्रेफर्ड क्या है, उनको डिपॉजिट्स आता रहे। बट अगर डिपॉजिट्स नहीं आ रहा, लोन बुक तो बढ़ानी पड़ेगी, धंधे को तो रोक सकते नहीं है, तो क्या करेंगे, वो पैसा कहीं और से अरेंज करके लोन देंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अब जाके ये देखते हैं जो मेजर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं, इनको कंपेयर करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट बाय पॉइंट। बाय द वे ये आप वीडियो सेव कर लेना या ये पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, अगर आपको किसी भी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करना है, बैंकिंग इंडस्ट्री को, ये सारे पैरामीटर्स लेना बहुत जरूरी है एंड दीज पैरामीटर्स आर स्पेसिफिकली फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं देखता हूं एसेट क्वालिटी। अब एसेट क्वालिटी क्या होता है, एक बैंक के लिए एसेट क्या होगा, लोन। लोन तो उनका एसेट है, वही तो उनसे बिजनेस कमा रहे हैं। अब अगर लोन दिया
और 90 डेज तक उस बंदे ने ना इंटरेस्ट पे किया ना उसने प्रिंसिपल पे किया अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो आ जाएगा ग्रॉस एनपीए की कैटेगरी में, जहां पे एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बेसिकली वो लोन जो बेकार हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट आता है वो होता है नेट एनपीए। अब नेट एनपीए वो होता है जो बैंक ने मान लिया कि भाई ये तो नहीं देने वाला पैसे, तो बैंक क्या करेगा, डिडक्शन को सब्ट्रैक्ट करेगा, हर लोन के लिए थोड़ी डिडक्शन रखी जाती है और उसके बाद नेट एनपीए निकाल देगा। बट इतना कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये याद रखो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जितना कम हो उतना बेटर है। आइए सर, जैसे आप यहां देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सबसे लीस्ट है, तो इस पॉइंट में एचडीएफसी विंस। सेकंड पॉइंट आता है लोन बुक ग्रोथ, जितने ज्यादा लोन्स होंगे उतना ही तो फायदा होगा बैंक का, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक का ना बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर बैंक, विच इज 22.9%। फिर आता है डिपॉजिट ग्रोथ। अब डिपॉजिट सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं होता, बहुत टाइप के डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी तो एक डिपॉजिट होता है ना, तो मैं अभी ओवरऑल डिपॉजिट को देख रहा हूँ। डिपॉजिट ग्रोथ में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रोथ है एचडीएफसी बैंक की, एंड अगेन एचडीएफसी बैंक बहुत स्टार्क डिफरेंस से आ गया। इसके बाद कासा डिपॉजिट की बात करूंगा, कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। अब कासा सबसे सस्ता है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड है, जितना कासा ज्यादा बैंक का उतना ही फायदा। वाई, करंट अकाउंट में तो जीरो इंटरेस्ट देना पड़ता है, सेविंग्स अकाउंट में 4-5%, वो भी बड़ा मिनिमल होता है, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा कासा जो है वो है कोटक बैंक का एट 53.3%। उसके बाद में देखूंगा प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टैक्स की, भाई साहब प्रॉफिट किसका सबसे ज्यादा हो रहा है आफ्टर रिड्यूसिंग एवरीथिंग। यहां पे आप देखेंगे एक्सिस हैज 70%, आईसीआईसीआई बैंक हैज 31.69%, तो दोनों एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बट एक्सिस बैंक तो हद ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके बाद आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बेसिक फंडा ये है कि अगर वो लोन दे रहे हैं 11% तो कितना इंटरेस्ट वो पॉकेट कर पा रहे हैं, एंड ये तो काफी ऑब्वियस है ये कोटक का ही सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज कोटक का कासा सबसे ज्यादा है एंड कासा का कॉस्ट ऑफ फंड्स सबसे लोएस्ट है, और ये आपको डेटा भी दिखा रहा है। जैसे आप देखते हैं कोटक का इट इज 5.50%, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में देखूंगा रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में कोटक सबसे ज्यादा है, रिटर्न ऑन एसेट्स में एचडीएफसी सबसे ज्यादा है। गोयला ये उम्मीद करे कि आपने नोटिस किया हो कि भाई इंडियन बैंक्स में कितना ज्यादा दम है। अब बात करते हैं यार वैल्यूएशंस की, पीई की बात करते हैं कि क्या ये सेंसिबल है स्टॉक खरीदने के लिए नहीं खरीदने के लिए। ये देखिए सर एचडीएफसी 20, ये दोनों अपने 3 ईयर मीडियन और 5 ईयर मीडियन से कम है। आईसीआईसीआई बैंक 18.3, ये भी कम है। कोटक ये भी कम है। एक्सिस ये भी कम है। ऑल ऑफ दीस बैंक्स आर इन अ वेरी अट्रैक्टिव सिचुएशन टू बाय, जहां पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, और आरबीआई ना राहुल ड्राविड टाइप है जो बहुत सेफ्टी रखता है बैंक्स की। अब आप मुझे बताओ दो चीजें, सबसे पहला क्या आप बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे, कमेंट करके यस बताइए, सो दैट मींस पे और डिटेल वीडियोस बनाए, या फिर कोई और इंडस्ट्री जिसको चाहते हो गोयला एनालाइज करें तो वो भी कमेंट करके बता दो। आपको पता है गोयला खरा ही उतरेगा।